सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम लोग ताज होटल के रूम टूर लेने वाले हैं भाई, ठीक है? तो चलते हैं अंदर। सो वेलकम एवरीवन। बंद करते हैं सर, कार्ड को रखते हैं, थोड़ा संभाल करके अब करते हैं भाई रूम टूर। तो थोड़ा इस तरह दिखाता हूँ मैं आप लोग को, कुछ ऐसा रूम है, पूरा डिटेल में घुमाता हूँ आप लोग को, अभी वॉशरूम से लेकर के बेड तक, सोफा तक, हर एक चीज दिखाता हूँ। स्टार्ट करते हैं एकदम एंट्री से। तो भाई यहाँ पे देखिए, कुछ घुसते आप लोग को लेफ्ट साइड में भाई इलेक्ट्रिक केटल मिल जाएगा, चाय बनाने, कॉफी बनाने की पूरी व्यवस्था मिल जाएगी आपको। जब मन करे भाई तुरंत बनाओ, तुरंत पी लो। देख रहे हैं, मैं कल से यहाँ पर मैंने दो बार बाल भी दिए भाई, ऑन करके भूल जाता हूँ, बोल के पूरा एकदम बह जाती है। कप मिलेंगे बढ़िया, वाटर बॉटल सफिशियंट मात्रा में मिल जाएगी आप लोग को। ये नहीं लगेगा कि हाँ भाई पानी की कमी, बिल्कुल भी आप लोग को डिहाइड्रेशन नहीं होगा, पानी बहुत मिलेगा आप लोग को, ठीक है? और साथ ही में अंदर अगर हम देखें तो इधर थोड़ा आप लोग को दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक कूलर मिल जाएगा भाई, अगर आप लोग को कुछ पीने नहीं कर सकता, ठंडा रहेगा, ठीक है? और अब आते हैं इसी के जस्ट बगल में। इसके बगल की बात करें तो यहाँ आपको लगेज स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है, यहाँ पे अपना लगेज रख सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे आप लोग को सेफ लॉकर मिल जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है, अम्ब्रेला मिल जाता है, स्लीपर्स मिल जाती हैं, और यहाँ पे ताज होटल का पूरा मेन्यू कार्ड मिल जाता है, कुछ हैंगर्स मिल जाते हैं आपको अपने या आपके क्रॉस को टांगने के लिए। साथ ही में यहाँ पे आप लोग को एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी मिल जाता है। तो यहाँ पे ये सब कुछ था। अब पहले आपको रूम टूर कराया जाता है, उसके बाद चलते हैं वॉशरूम के रूम में। तो यहाँ पे आप लोग को ये देखा था 64 इंच का एलईडी टीवी है, नहीं 50 इंच का एलईडी टीवी है। तो ये वाला भाई हमने इसको ओपन किया, ठीक है? कल हमने इसको देखा, मैक्सिमम चैनल इसमें किसके थे? ताज होटल के बारे में थे, बाकी भी थे, बट स्टार्टिंग होगी 5-6 चैनल आपको ताज होटल के बारे में बताएंगे यही सब, ठीक है? बाकी इसमें टाटा स्काई है, हेल्थ बॉक्स, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे वार्डरोब के साथ में सेट है। यहाँ पे आप लोग को एक टेबल मिल जाएगी जिसपे आप लोग को कुछ फ्रूट्स रखे मिलेंगे, नाइफ मिल जाएगा, अभी खाए नहीं भाई, पानी क्या, मैंने कहा पानी इतना मिल जाएगा कि आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। टेलीफोन है, कुछ भी काम पड़े भाई घंटी मिलाओ, हाँ हेलो इस रूम में दिक्कत है बोल दो। सोफा बड़े आराम से, कल तो भाई रात को मैं आराम से यही बैठ के बहुत देर तक मजा किया हूँ। और जो पीछे का व्यू है, जो पीछे का व्यू है वो तो भाई 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 भाई, भाई दिखाने, एक बार फोकस डालिएगा पीछे के व्यू पे। जस्ट एयरपोर्ट के बगल में ये जो हमारा है होटल, ये रूम, तो ठीक है आप लोग को मैं एयरपोर्ट का एकदम व्यू दिखाना चाहता हूँ। एक बार आप लोग को एयरपोर्ट का व्यू दिखाते हैं, देख सकते हैं आप लोग बगल में ही एयरपोर्ट है और सभी गाड़ियां कितने बजे से, और साथ ही मौसम का गजब का बैंगलोर में इस समय भाई, कल रात में बारिश भी बढ़िया हुई है। बगल में होटल का ही जो है परिसर है, ठीक है? तो इस तरह दिखाता हूं आप लोग को होटल कैंपस ही है वो। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को बढ़िया लैंप एक और साइड लैंप दो, ठीक है इस तरह से। और भाई यहाँ पे सब कुछ ठीक लगा, स्विच ऑन ऑफ करने में बहुत समस्या होती है, एक दो स्विच मैंने मतलब खराब पाए, उधर वाला एक स्विच खराब है, तो उसमें दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं अपनी। बाकी बेड तो भाई इतना गोल गोल है ना कि भाई बस इतना मतलब सॉफ्ट है कि आराम से लेटो, आराम से सो, बड़ी मस्त नींद आई रात में। अब अगला टूर नहीं, चश्मा नहीं लगाएंगे, देख लिया भाई, एक टेलीफोन यहाँ पे भी है, टीवी रिमोट है, गिलास कप हम लोग कल से रह रखे हैं आराम से। और अब आप लोग को दिखाते हैं हम लोग वॉशरूम, भाई पहले इधर ये बंद, अच्छे चलाते हैं ना, अच्छे से आएंगे आप लोग के साथ। तो पहले ये डोर ऐसे बंद रखा करिएगा, हाँ डोर ऐसे बंद रखा करिएगा इससे कि अच्छा थोड़ा माहौल रहे। अब ऐसे आइएगा, हाँ ऐसे आइए। तो भाई पहले राइट साइड की आते हैं, फिर ऐसे बाद में जाइए। यहाँ पे आप लोग का शावर एरिया है, यहाँ पे आप लोग शावर ले सकते हैं बढ़िया, हॉट वाटर, कूल वाटर, वहां पे कुछ एसेंशियल्स रखे हुए हैं, इम्यूनिटीज रखी हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे आप शावर ले सकते हैं। और यहाँ पे वेट वेइंग मशीन भी है, वेइंग मशीन भी यहाँ पे है, ठीक है ना? तो आप लोग अपना वेट भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप लोग को ड्रायर मिल रहा है, हाँ बाल में सूखे हुए हैं, और एकदम बढ़िया भाई, जैसे कि ताज नाम ही काफी है, तो यहाँ पे आप लोग कुछ और इमेजेस मिल जाएंगे। जैसे ताज खूबसूरत है वैसे हम दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो यहाँ पे कुछ और यहाँ पे देख सकते हैं, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों का है, डस्टबिन नीचे है, और इधर हमारी टॉयलेट सीट है। और यहाँ पे भी एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे भी टेलीफोन है, यहाँ पे भी टेलीफोन है, मतलब भैया टंकी खाली है यहाँ पे भी। तो ये कुछ इस तरह बढ़िया व्यवस्था, एकदम एवन क्वालिटी का रूम है, ठीक है? तो ये कहना चाहूंगा, इसमें प्राइसिंग रेंज की बात करें अगर हम, तो इसकी प्राइसिंग रेंज मतलब
24 आवर्स का जो वन डे का है वो 18,000 से स्टार्टिंग है और ये अप टू 23,000 जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे जो ताज की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से बुकिंग भी कर सकते हैं। तो बाकी ब्लॉग में इतना ही था, आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा, ये रूम पसंद आया होगा, मैं पसंद आया हो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। तो मिलता है आप सभी से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।